तो वेलकम डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम लोग मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे और ये सभी क्वेश्चन सब्जेक्टिव होंगे और ये सारे जो सब्जेक्टिव मोस्ट इम्पोर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है वो क्लास टेंथ के इतिहास के जो पांचवा चैप्टर है अर्थव्यवस्था और आजीविका उसी से लिया गया है। तो वीडियो में बिना देरी किए हुए सबसे पहले प्रश्नों को देखते हैं कि कौन कौन से प्रश्न हैं, उसके बाद इसके उत्तर को देखेंगे। तो देखिए, सबसे पहला प्रश्न है यहाँ पे लघु उत्तरीय प्रश्न में, सबसे पहला प्रश्न है औद्योगिकरण से आप क्या समझते हैं। ये क्वेश्चन 2017 का एनुअल यानी बोर्ड परीक्षा जो है मैट्रिक का, उसका प्रथम पाली में पूछ चुका है। उसी प्रकार आप देख सकते हैं कि दूसरा प्रश्न को कितना बार पूछा गया है। आगे देखिए, तीसरा प्रश्न है स्लम पद्धति की शुरुआत कैसे हुई, इसको भी देख सकते हैं कितना बार पूछा है। ये काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद है निरुद्योगीकरण से आप क्या समझते हैं। और आगे जो दो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है यहाँ पे आप इनको देख सकते हैं। ये जो पहला नंबर प्रश्न है ये 2012 का एनुअल परीक्षा में पूछा गया था, क्योंकि 2013 तक एक ही पाली में एग्जाम होता था। अब दूसरा प्रश्न आप देख सकते हैं इसको कब कब पूछा गया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट लघु उत्तरीय प्रश्न है आइए उसको देखते हैं। तो प्रश्न पहला लघु उत्तरीय प्रश्न है औद्योगिकरण से आप क्या समझते हैं, यानी हमें औद्योगिकरण के बारे में बताना है। ये क्वेश्चन जो है काफी इंपॉर्टेंट है। यदि आप औद्योगिकरण शब्द को समझिएगा तो आगे भी आपका बहुत सारा जो क्वेश्चन है उसका उत्तर आप आसानी से सीख पाओगे, समझ पाओगे। तो देखिए, औद्योगिकरण का मतलब होता है उद्योगों का लगाना, नए नए उद्योग यानी कल कारखानों का स्थापना करना ही औद्योगिकरण कहलाता है। यानी जब औद्योगिकरण हुआ तो नए नए उद्योग खोले गए, और हम जानते हैं कि उद्योग में किसी भी वस्तु का उत्पादन किसके द्वारा होता है, मशीनों के द्वारा होता है। किसके द्वारा? मशीनों के द्वारा। यानी उद्योगों की स्थापना से पहले जो काम मानव श्रम द्वारा होता था, मानव मतलब हम मनुष्य, श्रम का मतलब होता है काम, यानी हम आदमी जो है अपना मजदूरी करके काम करके वस्तुओं को बनाते थे, वस्तुओं का उत्पादन करते थे, लेकिन औद्योगिकरण से उद्योग का स्थापना हुआ और उद्योगों में मशीनों के द्वारा अब वस्तुओं का उत्पादन होता है, जिससे काफ़ी लोग बेरोजगार भी हो जाते हैं। तो चलिए उत्तर में देखते हैं औद्योगिकरण क्या है। औद्योगिकरण एक ऐसा प्रक्रिया है, एक प्रक्रिया है, एक प्रोसेस है औद्योगिकरण, जिसके अंतर्गत वस्तुओं का उत्पादन मानव श्रम यानी मानव के कामकाज द्वारा न होकर मशीनों के द्वारा होती है। यानी सीधे समझिए, नए नए मशीनों को लगाकर मशीनों से वस्तुओं का उत्पादन करना ही औद्योगिकरण कहलाता है। अब आगे देखिए, नए नए मशीनों एवं यंत्रों के आविष्कार के साथ औद्योगिकरण का औद्योगिकरण प्रारंभ हुआ। यानी ये औद्योगिकरण कब प्रारंभ हुआ, नए नए उद्योगों का स्थापना कब प्रारंभ हुआ, ये तब प्रारंभ हुआ जब नए नए मशीन और यंत्रों का आविष्कार हुआ। यानी जब नए नए मशीन और यंत्रों का आविष्कार हुआ तो इन मशीन और यंत्रों से बड़े बड़े उद्योग खोले गए और इन उद्योगों में वस्तुओं का उत्पादन मशीनों के द्वारा होने लगा। आगे देखिए, इसमें मशीनों के द्वारा, इसमें मतलब औद्योगिकरण में, औद्योगिकरण की प्रक्रिया में मशीनों के द्वारा बड़े पैमाने पर, बड़े तादाद पर, लाखों की संख्या में, हजारों की संख्या पर वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है, यानी वस्तुओं को बनाने का काम किया जाता है। तो मैं उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आप समझ गए। अब आगे बढ़ेंगे और दूसरा जो लघु उत्तरीय प्रश्न है उसको देखते हैं। देखिए, दो नंबर वाला अगला जो प्रश्न है वो है औद्योगिकरण ने मजदूरों की आजीविका को किस तरह प्रभावित किया। यानी मजदूरों का जो आजीविका है, मजदूर जो अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे, अपने जीवन को बिता रहे थे, तो उसी मजदूरों के जीवन को औद्योगिकरण ने कैसे प्रभावित किया, कैसे इफेक्टेड किया, कैसे असर डाला, इस बात को हमें बताना है उत्तर में।
यानी सीधे समझिए, औद्योगिकरण हुआ ना, इससे मजदूरों पर क्या फर्क पड़ा, मजदूरों के जीवन पर क्या फर्क पड़ा, ये बताना है हमें। तो मैं बता दूं उत्तर में जाने से पहले कि जब औद्योगिकरण हुआ तो नए नए उद्योग खोले गए, कल कारखाने खोले गए, और इन कल कारखानों में जो भी मजदूर काम करने के लिए आया उससे काम ज़्यादा की करवाया जाता था लेकिन वेतन कम देता था। तो इससे क्या होगा, मजदूरों की स्थिति काफ़ी ख़राब हो गई। उसी बात को यहाँ पे स्पष्ट रूप से बताया गया है। देखिए, यहाँ पे औद्योगिकरण के परिणाम स्वरूप, मतलब रिजल्ट स्वरूप, परिणाम स्वरूप, फल स्वरूप क्या हुआ, औद्योगिकरण के फल स्वरूप क्या हुआ, परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि बड़े बड़े कारखानों का स्थापना किया गया। ये तो बात स्पष्ट है कि औद्योगिकरण का मतलब ही होता है बड़े बड़े उद्योग यानी कल कारखानों को स्थापना करना। स्थापना मतलब बड़े बड़े कल कारखानों का बढ़ाना, निर्माण करना। इन कारखानों में मजदूरों से अधिक काम लिया जाता, यानी मजदूरों को एकदम बिल्कुल खूब काम कराया जाता था मजदूरों से, बदले में वेतन काफ़ी कम दिया जाता था। वेतन कम और काम ज़्यादा करवाया जाता था, इससे जिससे क्या हुआ कि जिससे इन मजदूरों की स्थिति, इन मजदूरों का जो हालात है वो दयनीय हो गया, मतलब खराब हो गया। दयनीय होना मतलब खराब होना, स्थिति का मतलब होता है हालात, पोजीशन। अतः इन पर औद्योगिकरण का प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। कैसा प्रभाव पड़ा, मजदूरों पर, इन पर मतलब मजदूरों पर औद्योगिकरण का कैसा प्रभाव पड़ा, प्रतिकूल प्रभाव, मतलब बुरा प्रभाव पड़ा। अब आगे बढ़ेंगे और अगला जो है लघु उत्तर ये प्रश्न को देख, अगला प्रश्न है 3 नंबर कि स्लम पद्धति की शुरुआत कैसे हुई। देखिए, स्लम पद्धति है क्या और हमें बताना है कि ये स्टार्ट कैसे हुआ। स्लम पद्धति का मतलब ये हुआ कि शहर में छोटे छोटे कमरों में बहुत सारे आदमी एक साथ एकदम मिलजुल करके रहते हैं, यानी छोटे से कमरे में बहुत आदमी जो है काफ़ी कम सुविधा के साथ रहते हैं, यानी बड़ा दिक्कत से छोटे कमरों में शहरों में जो लोग रहते हैं इसी को हम लोग स्लम पद्धति बोलते हैं। इसकी शुरुआत कैसे हुई इसको देखिए। देखिए, औद्योगिकरण के परिणाम स्वरूप गांवों से उद्योग में काम करने के लिए बड़े पैमाने पर मजदूर आए। अब देखिए, जब औद्योगिकरण हुआ तो बड़े बड़े उद्योग खोले गए, कल कारखाने खोले गए, और इन कल कारखानों में काम करने के लिए गांवों से लोग आए। ठीक है, इन मजदूरों को काफ़ी कम वेतन मिलता था, यानी इन मजदूरों को काफ़ी कम वेतन मिलता था, काफ़ी कम मजदूरी मिलता था, जिसके कारण मजबूरी में इसे जो है मिलता था, जिससे बहुत सारे मजदूर मिलकर शहर के छोटे छोटे कमरों में रहने लगा। यानी बहुत सारे मजदूर मिलकर शहर के छोटे कमरों में रहने लगा, और इन कमरों पर इन मजदूरों को काफ़ी दिक्कत होता था, काफ़ी परेशानी होता था, कठिनाई होता था रहने में। अब क्यों रहता था छोटे छोटे कमरों में, देखिए, ताकि कुछ धन को बचाकर घर भेज सकें। यानी जब बहुत सारे मजदूर छोटे कमरों में रहेंगे तो उनको भाड़ा भी कम लगेगा, जिससे कुछ धन बचेगा, कुछ रुपया बचेगा तो उसको घर भेज सके। तो आगे बोला कि मजदूरों के रहने की यही पद्धति स्लम पद्धति कहलाई। आप स्पष्ट रूप से देखें कि स्लम पद्धति की शुरुआत कैसे हुई। स्लम पद्धति की शुरुआत औद्योगिकरण के परिणाम स्वरूप ही हुआ है। तो अब आगे बढ़ेंगे और अगला जो लघु उत्तर प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, निरुद्योगीकरण से आप क्या समझते हैं। देखिए, निरुद्योगीकरण औद्योगिकरण का है ना, ये जो औद्योगिकरण है इसका अपोजिट है, उल्टा है। औद्योगिकरण में क्या हुआ था, ये जो औद्योगिकरण देख रहे हैं इसमें क्या हुआ था, इसमें नए नए उद्योगों का स्थापना किया गया था, कल कारखानों का स्थापना किया गया था। औद्योगिकरण में बड़े बड़े कल कारखानों को तो स्थापना किया, लेकिन इन बड़े बड़े कल कारखानों के आगे में जो छोटे छोटे कुटीर उद्योग थे, जो घर में ही अपने वस्तुओं का उत्पादन करता था, वो लोग टिक नहीं पाए। कुटीर उद्योग धीरे धीरे समाप्त होने लगा, छोटे छोटे उद्योग समाप्त होने लगा, इसी को निरुद्योगीकरण बोलते हैं। यानी औद्योगिकरण से बड़े उद्योग तो खोले गए, लेकिन जो कुटीर उद्योग थे, छोटे उद्योग जो थे, वो जो ख़त्म हुआ,
इसी को निरौद्योगिकरण बोलते हैं। आइए उत्तर में देखते हैं। देखिए औद्योगिकरण के परिणाम स्वरूप बड़े बड़े उद्योगों का विकास तो हुआ, लेकिन दूसरी ओर कुटीर उद्योग का समाप्त होना ही निरुद्योगीकरण कहलाता है। अब ये बड़े बड़े उद्योग खोलने से ये कुटीर उद्योग काहे समाप्त हुआ, क्यों समाप्त हुआ, इसको समझिए। देखिए बड़े बड़े उद्योग से कम मूल्य में वस्तुओं को बाजार में उपलब्ध नहीं करा पाने के कारण ही कुटीर उद्योग समाप्त हो रहा था। यानी समझिए औद्योगिकरण के परिणाम स्वरूप जो बड़े बड़े उद्योग खोले गए तो ये बड़े बड़े उद्योग कोई भी वस्तु को कम मूल्य पर उपलब्ध करा रहा था, और जो कुटीर उद्योग जो वस्तु बना रहा था इसका मूल्य अधिक होता था, तो लोग कम मूल्य की वस्तु को खरीदेगा ना, तो लोग क्या किए, बड़े बड़े उद्योग की वस्तु को खरीदने लगे, और कुटीर उद्योग का जो मूल्य अधिक होता था इनके वस्तु को कोई नहीं खरीद रहा था, जिससे ये उद्योग क्या हो गया, समाप्त हो रहा था। तो कुटीर उद्योग का समाप्त होना ही क्या है, निरुद्योगीकरण है। अब आगे बढ़ेंगे और पहला दीर्घ उत्तरीय प्रश्न को देखते हैं। देखिए पहला दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है कि औद्योगिकरण के परिणाम स्वरूप होने वाले परिवर्तन यानी बदलाव पर प्रकाश डाले। यानी ये जो औद्योगिकरण हुआ था इसके बाद क्या क्या परिवर्तन हुआ, क्या क्या बदलाव हुआ, उसी को हमें बताना है। आप औद्योगिकरण के मतलब को, अर्थ को इससे पहले समझ चुके हैं कि औद्योगिकरण का मतलब होता है उद्योगों का स्थापना करना, बड़े बड़े कल कारखानों को लगाने का काम करना, स्थापित करने का काम करना। तो जब औद्योगिकरण हुआ, बड़े बड़े उद्योग खोले गए, तो कुछ बदलाव देखने को मिला, कुछ परिवर्तन देखने को मिला। आइए इसको नीचे देखते हैं। देखिए उत्तर में औद्योगिकरण के परिणाम स्वरूप, किसके औद्योगिकरण के परिणाम स्वरूप निम्नलिखित परिवर्तन हुआ। आपको पॉइंट वाइज यहां पे परिवर्तन बताए हैं, आप इस पॉइंट को याद रखिएगा, आगे इधर अपने आप लिख लीजिएगा। सबसे पहला परिवर्तन ये हुआ कि उद्योगों का विकास, विकास का मतलब होता है आगे बढ़ना, तरक्की होना। उद्योगों का विकास मतलब उद्योग, मतलब कल कारखाने आगे बढ़े, उनका तरक्की हुआ। देखिए नए नए कारखानों का स्थापना तीव्र गति से होने लगा। अरे औद्योगिकरण का मतलब ही होता है ना नए नए कल कारखानों को खोलना, तो इसमें तो उद्योगों का विकास तो होगा ही। अब आगे देखिए दूसरा पॉइंट में है कुटीर उद्योगों का पतन। पतन का मतलब होता है समाप्त होना, यानी कुटीर उद्योग जो थे, छोटे छोटे उद्योग जो थे, लोग अपने घर में ही दो चार पांच दस आदमी मिलकर के वस्तुओं को बना रहे थे, ऐसे उद्योगों का पतन हो गया, समाप्त हो गया। वो कैसे, देखिए बड़े बड़े उद्योगों, बड़े बड़े कारखानों के स्थापना से कुटीर एवं छोटे उद्योगों का पतन होने लगा। देखिए जब बड़े बड़े कल कारखानों को औद्योगिकरण की प्रक्रिया के दौरान खोले गए, तो जो छोटे छोटे उद्योग थे ये कोई भी वस्तु को बना रहा था तो इसका मूल्य अधिक होता था, जबकि बड़े बड़े कल कारखानों में बनाए गए वस्तुओं का मूल्य कम होता था, तो लोग तो कम मूल्य के वस्तु को खरीदेंगे ना, तो कुटीर उद्योग के वस्तु को कोई खरीद नहीं रहा था, जिससे ये समाप्त तो होने लगा। अब आगे देखिए समाज में वर्ग विभाजन, यानी समाज जो है तीन वर्गों में बटा, तीन समूह में बटा, कौन कौन, देखिए समाज तीन वर्गों में विभाजित हो गया, बढ़ गया। एक पहला बना पूंजीपति वर्ग, पूंजी का मतलब होता है धन, रुपया पैसा, पति का मतलब होता है मालिक, यानी जिसके पास बहुत सारा पूंजी हो उसको पूंजीपति बोलेंगे, कल कारखानों के मालिक को क्या बोलेंगे, पूंजीपति बोलेंगे, तो उसे पूंजीपति वर्ग कहलाया। एक बुर्जुआ वर्ग कहलाया, जिसको मध्यम वर्ग कहते हैं, माध्यम नहीं होगा या मध्यम होगा, केवल मोह होगा, मध्यम वर्ग। मध्यम वर्ग में कौन आएगा, शिक्षक इंजीनियर वगैरह, जो ज़्यादा ना गरीब होता था ना ज़्यादा अमीर होता था। उसके बाद तीसरा वर्ग बना मजदूर वर्ग, जो फैक्ट्री में कल कारखानों में काम करते थे। अब आगे बढ़ेंगे और आगे जो बदलाव हुआ उसको भी एक एक करके देखते हैं। देखिए चारवां बदलाव क्या हुआ, परिवर्तन, कि कारखाना मजदूरों का जन्म। अब देखिए कुटीर उद्योग चलाने वाले बड़े कारखानों के मजदूर बन गए,
यानी औद्योगिकरण के दौरान बड़े बड़े कल कारखाने खोले गए और बड़े बड़े कल कारखाना खोले गए तो जो कुटीर उद्योग थे वो तो समाप्त हो गए ना। तो इन कुटीर उद्योग के जो मालिक थे, जो कुटीर उद्योग को चला रहे थे, उसको मजबूरी में बड़े कल कारखानों में जाकर के मजदूरी करने लगा, जिससे कल कारखाने मजदूर का जन्म हुआ। आगे देखिए, स्लम पद्धति की शुरुआत। देखिए, औद्योगिकरण के कारण ही स्लम पद्धति की शुरुआत हुई है। स्लम पद्धति तो समझाए ना आपको ऊपर में, कि शहर में छोटे छोटे कमरों में बहुत सारे मजदूर मिलकर के रहते हैं, तो उसी को बोलते हैं स्लम पद्धति। ये शुरुआत कब हुई? कि औद्योगिकरण के बाद बड़े बड़े कल कारखाने खोले गए और इन कल कारखानों में जो भी मजदूर काम करने के लिए आए, थोड़ा सा रुपया बचाने के लिए मिलकर के बहुत सारे मजदूर छोटे छोटे कमरों में रहने लगे थे। तो देखिए, बड़े कारखानों के मजदूर वर्ग शहर में छोटे छोटे कमरों में रहने लगा, जिससे स्लम पद्धति की शुरुआत हुई। अब आगे देखिए, लास्टवां पॉइंट है नगरों का विकास। नगर मतलब शहरों का विकास हुआ। वो कैसे हुआ? देखिए, औद्योगिकरण के अंतर्गत कारखानों के स्थापना से गांवों के लोग इन कारखानों में काम करने के लिए आए, जिससे नगरों का विकास हुआ। देखिए, जब गांवों से लोग बड़े बड़े कल कारखानों में काम करने के लिए आए, तो ये मजदूर वर्ग इस कल कारखाने के आसपास बसने लगा, जिससे वहां घनी आबादी बनने लगा, जो शहर का रूप ले लिया। तो पहला दीर्घ उत्तरीय प्रश्न समाप्त होता है। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और दूसरा दीर्घ उत्तरीय प्रश्न को देखेंगे। देखिए, दूसरा प्रश्न है उपनिवेशवाद से क्या समझते हैं, और इसी का दूसरा भाग है औद्योगिकरण ने उपनिवेशवाद को जन्म दिया कैसे। इस प्रश्न के उत्तर में जाने से पहले मैं आपको शॉर्ट में कुछ कॉन्सेप्ट आपको बताने वाला हूं, उसको समझिए, ध्यान दीजिए। सबसे पहले समझिए कि उपनिवेशवाद क्या होता है। देखिए, जब कोई ताकतवर या शक्तिशाली देश किसी कमजोर देश को अपना गुलाम बना ले, अपना अधिकार में ले ले, तो इसी को उपनिवेशवाद बोलते हैं। यानी अपने उपनिवेश को फैलाना, अपने ताकत को फैलाना। जैसे ब्रिटिश सरकार या इंग्लैंड सरकार जो थे, भारत को अपना गुलाम बना लिया था, तो इसी को उपनिवेशवाद बोलेंगे। और भारत जो है इंग्लैंड का उपनिवेश था। ये तो बात उपनिवेश का हुआ। अब यहां पे समझिए कि औद्योगिकरण के कारण उपनिवेशवाद कैसे जन्म हुआ, उसको देखिए। देखिए, औद्योगिकरण के दौरान क्या हुआ? बड़े बड़े उद्योग खोले गए और इन उद्योगों को चलाने के लिए कच्चा माल चाहिए। कच्चा माल क्या होता है? जैसे बिस्किट बनाने के लिए आटा चाहिए ना, गेहूं चाहिए ना। तो उद्योगों को चलाने के लिए कच्चा माल चाहिए, और उद्योग में जो भी वस्तु बन जाएगा उसके लिए क्या चाहिए? बेचने के लिए बाजार चाहिए ना। तो इसके लिए शक्तिशाली देश जो है कमजोर देश को अपना गुलाम बनाने लगा, और कमजोर देश से कच्चा माल लाया और उद्योग में बना करके उसी कमजोर देश में जाकर के बेचने लगा। यही कारण के वजह से जो है उपनिवेशवाद का जन्म हुआ, जिससे बड़े बड़े शक्तिशाली देश छोटे छोटे राज्यों को गुलाम बनाने लगा, छोटे छोटे देश को गुलाम बनाने लगा। तो आइए उत्तर में देखते हैं उपनिवेशवाद क्या है। देखिए, किसी शक्तिशाली राष्ट्र यानी देश द्वारा किसी कमजोर राष्ट्र पर आर्थिक रूप से, आर्थिक मतलब होता है अर्थ का, अर्थ मतलब होता है रुपया पैसा, तो आर्थिक रूप से नियंत्रण मतलब कंट्रोल स्थापित करना ही उपनिवेशवाद कहलाता है। सिंपल सा बात है, कोई शक्तिशाली देश किसी कमजोर देश को आर्थिक रूप से नियंत्रित कर लेगा, कंट्रोल कर लेगा, तो इसी को उपनिवेशवाद कहते हैं। ठीक है, अब आगे देखिए, नियंत्रित कमजोर राष्ट्र, जो नियंत्रित जिस राष्ट्र जिस देश को नियंत्रित करेगा, जिस देश को कंट्रोल में लाएगा, जिस देश को गुलाम बनाएगा, तो उसी कमजोर राष्ट्र को शक्तिशाली राष्ट्र का उपनिवेश कहा जाता है। यानी भारत को गुलाम बनाया था तो ये भारत कमजोर देश था, भारत उपनिवेश किसका कहलाया? ब्रिटेन का कहलाया। अब आगे देखेंगे कि उपनिवेशवाद का जन्म कैसे हुआ। देखिए, उपनिवेशवाद का जन्म
यहाँ पे देखिए, औद्योगिकरण के परिणाम स्वरूप, रिजल्ट स्वरूप उद्योग को चलाने के लिए दो चीज़ों की आवश्यकता हुई। पहला चीज़ तो चाहिए कच्चा माल और दूसरा चाहिए था कच्चे मालों से बना वस्तुओं को बेचने के लिए बाजार। वस्तुओं को बेचने के लिए बाजार चाहिए और उद्योगों में वस्तुओं को बनाने के लिए कच्चा माल चाहिए। जैसे मोटर साइकिल बनाना है तो लोहा चाहिए, लोहा कच्चा माल हो गया। इसके लिए अब ये बाजार के लिए और कच्चा माल के लिए शक्तिशाली देश देखो कितना हद तक गिर गया था। देखिए इसके लिए मतलब बाजार के लिए और कच्चा माल के लिए शक्तिशाली देशों ने कमजोर देशों से व्यापार प्रारंभ किया, कमजोर देशों से व्यापार करने लगा, बिजनेस करने लगा, ठीक है, प्रारंभ किया, जहां उसे कच्चा माल आसानी से प्राप्त होने लगा। इन छोटे छोटे कमजोर देशों से कच्चा माल उसको प्राप्त होने लगा और उत्पादित जो भी वस्तु को उत्पादन कर रहा था शक्तिशाली देश, उन उत्पादित वस्तुओं को बेचने के लिए बाजार भी मिल गया उन कमजोर देशों पर, देशों में। बाद में धीरे धीरे इन कमजोर देशों पर आर्थिक रूप से नियंत्रित स्थापित करने लगा। बाद में क्या हुआ, ये जो शक्तिशाली देश है ना, ये कमजोर देश को अपना कंट्रोल में लेने लगा, उस पर नियंत्रण करने लगा, जो उपनिवेशवाद कहलाया। इस प्रकार उपनिवेशवाद का जन्म हुआ। तो यहां पे ये वीडियो होता है समाप्त। मैं उम्मीद करता हूं वीडियो आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।